आज का ध्यान है तथा तथाता सचनेस, वैसा ही हो जाना। पहले बताया विसर्जन, फिर बताया विलय, पहले बताया समर्पण, फिर बताया विसर्जन, अब आज बता रहे हैं विलय। ठीक है, तीन भागों में, बहना, मिटना और वैसा ही हो जाना। पहले बताया बहना, जब संगीत कराया, फिर मिटना। बहना यानी समर्पण, मिटना यानी विसर्जन, और सचनेस, सचनेस यानी तथाता, वैसा ही हो जाना, तद्रूप हो जाना, तन्मय हो जाना। ये ध्यान है आज, तथाता, वैसा ही हो जाना। और उसके लिए जो है, जो हमारा नाम है वो है विलय, समर्पण, विसर्जन, विलय। गुरुदेव कहते हैं ना, साधक का सविता में विलय, साधक का सविता में विसर्जन, समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। ये अद्वैत की स्थिति है विलय वाली। दो की बात हो चुकी, आज विलीनता की चर्चा। विलीन का मतलब होता है विलीन जिसमें हो रहे हैं उसी का स्वरूप पा लेना, जिसमें विलीन हो रहे हैं, जिसका भाव कर रहे हैं उसी का स्वरूप पा लेना। गंदा नाला गंगा में मिलता है तो उसका आचमन गंगा कहकर किया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि हम गंदे नाले में आचमन कर रहे हैं, कोई नहीं कहता। मैं तुमको हर की पेड़ी ले चलता हूं, तुम देख लो वहां पे, हर की पेड़ी जहां आरंभ होती है उसके पहले, हर की पेड़ी इधर से, मतलब इस तरफ से गंगा के, इधर गंगा जल इधर से जा रहा है ना, उससे थोड़ा पहले एक नाई सोता करके एक नाला है, और नाई सोता नाला हम कब से देख रहे हैं, पिछले 27-28 साल से देख रहे हैं बराबर। उसका पानी उसी में पड़ता है, महिला घाट के पहले थोड़ा सा पानी पूरा गंगा में पड़ता है, और सब लोग हर की पेड़ी में स्नान करते हैं। मुझे वो सौभाग्य अभी तक नहीं मिला, मैंने अभी तक उसमें स्नान नहीं किया है। मैंने कभी किया भी है तो यहीं की गंगा में किया है, यहाँ वाली में। पर उस कोई नहीं कहता कि मैंने नाई सोते में स्नान किया है, सब क्या कहते हैं, हमने गंगा में स्नान किया है, है ना। तो गंगा में स्नान, साधारण कुड़ग अग्नि में पड़कर आग का रूप ले लेता है, साधारण कूड़ा अग्नि में पड़कर आग का रूप ले लेता है। जब लकड़ी हवन की अग्नि में डाली जाती है तो आहुति बन जाती है, समिधा के रूप में डाल दी जाती है और वो आहुति बन जाती है, संपूर्ण रूपांतरण हो जाता है, संपूर्ण रूपांतरण। गंगा के रूप में पूर्ण रूपांतरण, अग्नि के रूप में पूर्ण रूपांतरण, और इतना बढ़िया रूपांतरण होता है कि फिर उसको कोई अलग नहीं कर सकता कि ये सामान्य लकड़ी है या हवन की लकड़ी है या हवन की अग्नि है, ये कौन सी अग्नि है जिसमें कि अभी लकड़ी डाली। वैसा ही रूप पा लेती है, वैसा ही रूप पा लेती है। हमको कैसे बनना है, वैसा ही रूप पा लेना है जैसा आग का रूप है, आग जैसा हो जाना। श्री अरविंद ने कहा एक वाक्य, समर्पण होकर जितना समग्र रूपांतरण होगा उतना ही सर्वांगीण समर्पण होने के बाद जितना समग्र रूपांतरण होगा उतना ही सर्वांगीण मनुष्य का विकास होगा। सर्वांगीण विकास के लिए समग्र रूपांतरण की जरूरत है। जैसे जैसे हम समर्पित होते हैं वैसे वैसे हम बदलते हैं। जैसे जैसे आप समर्पित होते चले जाते हैं वैसे वैसे आप बदलते चले जाते हैं। अब समर्पण और विसर्जन के प्रमाण हमारे जीवन में आने चाहिए। प्रमाण कैसे हैं? प्रारंभ हमारे व्यवहार से करें, हमारे व्यवहार से हम शुरुआत करें। जो भी करें, कर्म करें, वो प्रभु अर्पित कर्म करें। जो भी हमारे कर्म हो प्रभु अर्पित कर्म हो। उदाहरण के लिए कैसे करें, कोई लड़ाकू है, कोई एरोगेंट है, कोई गुस्से वाला आदमी है, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? पहला तरीका ये कि वह व्यवहार के माध्यम से प्रतिक्रिया न करें, पहला परिवर्तन यहाँ चालू कर दें। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि गुस्सा कैसे छोड़ें, गुस्सा खूब आता है, तो मैं तुरंत एक बात कहता हूँ उनसे कि 5 मिनट के लिए, घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट के लिए अपने आप को चुप कर लो, बिल्कुल प्रतिक्रिया मत व्यक्त करो। जैसे पत्नी इधर से बोले जा रही है, उधर से पति बोले जा रहे हैं, अब दोनों जितना इनका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतना वॉल्यूम, उतना झगड़ा बढ़ता जाएगा, और दोनों का झगड़ा एक सीमा तक पहुंच जाएगा जब दोनों बोलना बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे फिर रूठ के बैठ जाएंगे। फिर जब रात को भूख लगेगी तब पति कहेगा कुछ बना के रखा है कि नहीं घर में, वहां तक उस स्थिति तक चले जाता है।
समर्पण विसर्जन के प्रमाण हमारे जीवन में तब आएंगे जब जो प्रतिक्रियावादी है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यवहार में न करें। क्या करें? व्यवहार ठीक रखें, व्यवहार ठीक रखें। मन में गुस्सा है, ठीक है, मन में प्रतिक्रिया है, एरोगेंट हो आप, बोलना चाहते हो, गुस्सा आ रहा है आपको, क्लास में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बोलना चाहते हो, आपके मन में कुछ कहने का मन कर रहा है, तुरंत मत बोलो, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट अपने ऊपर शांति रखा। और उस 5 मिनट के बाद आप भूल जाओगे किस लिए गुस्सा आ रहा था, बार बार सोचोगे किस लिए गुस्सा आ रहा था, किस लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, वो चीज गायब हो जाएगी। विचारों के स्तर पर सुइयां चुभती रहती हैं आदमी के मन में, विचारों के स्तर पर सुइयां चुभती रहती हैं बार बार। तो जब व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार में आपने क्या किया, गुस्सा नहीं हुआ, हमने इतनी गालियां दी पर गुस्सा नहीं हुए। भिक्षु आनंद का और महात्मा बुद्ध का किस्सा है ना, साहब वो इतना गुस्सा हुआ, वो आदमी इतना गाली देता रहा, तब भी हम गुस्सा नहीं हुए। फिर क्या हुआ, फिर उसने हमारे ऊपर पानी उड़ेल दिया, तब भी हम गुस्सा नहीं हुए। तो फिर वो कहते हैं कि तुमने ठीक किया, इसके बाद भी अगर कुछ करता तो उसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए था, व्यवहार हमारा पहले बदले। आदमी जो गुस्सा करता है वो अगर अपना इतना बदलाव कर लेगा तो फिर भाव और विचार शुद्ध हो जाएंगे उसके। सबसे पहले व्यवहार शुद्ध होगा, फिर विचार शुद्ध होंगे, फिर भाव शुद्ध होंगे। विचार व्यवहार से विचार, विचार से भाव, भाव से संस्कार, ये 4 स्टेप्स हैं। व्यवहार से विचार, विचार से भाव, भाव से संस्कार, शुद्ध होते चले जाएंगे। अब अगर कोई कहता है कि अहंकारी है, तो कहता है ना ये तो बड़ा अहंकारी है, तो जो कह रहा है उसके भी अहम पे कभी चोट लगी होगी इसलिए कह रहा है अहंकारी, उसको भी बदलना चाहिए अपने आप को। यदि हम किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी दोष है। जब भगवान के लिए करेंगे तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रभु अर्पित कर्म हो, प्रभु अर्पित कर्म हो। और प्रभु अर्पित कर्म जो होते हैं वो कभी गलत नहीं होते, भगवान के यहाँ प्रसाद ठीक ही चढ़ाया जाता है, भगवान के प्रसाद गलत नहीं चढ़ाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कौवे का काटा फल कभी भगवान के चरणों में भोग के रूप में नहीं चढ़ाया जाता, कौवे का काटा फल ठाकुर के भोग में नहीं लगाया जाता, रामकृष्ण परमहंस का वाक्य। कैसे पहचानोगे, पहचान लेते हैं, कौवे का काटा और तोते का काटा अमरूद पहचानना हो पहचान लोगे आप लोग। और कौवे का काटा हुआ जो है, कौवा चोंच ऐसी मारता है कि पता लग जाता है, तोता क्या करता है थोड़ा सा उसमें से इधर उधर खाता है और जितना मीठा हिस्सा है उतना खा लेता है। तो ये जो झूठा फल जैसे कौवे का खाया हुआ नहीं लगाते, ऐसे ही भगवान के लिए हम वैसे ही कर्म करें जो प्रभु की योग्य हो, प्रभु की श्रेष्ठता, प्रभु की जिसे उच्चता हम मानते हैं उसके अनुरूप हो। सवेरे से शाम तक जो कर्म करें वो भगवान को अर्पित करें। अभी जो कुछ प्रश्न आए थे उनके जवाब मैंने दिए थे, सवेरे से शाम तक जो कर्म करें प्रभु, आज सुबह हम गए हमने योग किया प्रभु अर्पित, सवेरे हमने उसके बाद प्रार्थना में गए, प्रार्थना के बाद हमने क्लास अटेंड की प्रभु अर्पित, बस नहीं मुझे अर्पित क्योंकि मैंने मन लगा के पढ़ाई की, नहीं प्रभु को अर्पित की, भगवान को अर्पित की। ये समर्पण है, समर्पण से शुरुआत होती है, समर्पण विसर्जन विलय शुरुआत समर्पण से होती है। तो प्रातः जागरण से सायंकाल तक एक ही प्रक्रिया चलती रहे, सुबह से लेकर शाम तक, उसके बाद भोजन किया तो प्रभु रूपी हमारी वैश्वानर अग्नि में हमने भोजन कराया, हमारे अंदर प्रभु के रूप में जो अग्नि मौजूद है उसको भोजन कराया। शरीर चलना है इसलिए भोजन भगवान की आवश्यकता थी, भगवान हमारे शरीर को चला रहे हैं इसलिए उनके लिए था। 1 घंटा सोए तो वो इसलिए सोए कि वो आवश्यक था आराम करने के लिए, ठीक है ना। अपना आत्मविश्लेषण हमेशा ये सोच के करें, हमारा प्रभु, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह, जो भी हमारे इष्ट हैं उसको समर्पित है सब कुछ, ही हमारी जिम्मेदारी हमें 1 दिन की पूरी करनी है। अभी एक ने लिखा था ना कि मेरे को तो बस 1 दिन किस तरह पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा, तो प्रश्न बहुत सही है उनका, प्रश्न बहुत सही है, बस उसको एक साधना का मोड़ दे दें, सुबह से लेकर शाम तक आत्मबोध तत्वबोध, आत्मबोध से समर्पण का शुभारंभ, तत्वबोध में विलीनता, समर्पण से शुरू करिए सुबह का दिन और शाम को सोते समय तत्वबोध विलीनता पूर्णता, ये पूर्णता आई कि नहीं, विसर्जन हमारा चल रहा है कि नहीं, इससे पता चलेगा कि हमारे अंदर वैसा ही बनने की संभावना है कि नहीं। तथाता यानी सचनेस, अर्थात हम वैसा ही बदलें, वैसा ही बने जिस तरह की सत्ता में हमको समर्पित होना है।
मैं नेगेटिव उदाहरण देता हूँ, ढेर सारे डुप्लीकेट मिलते हैं फिल्मी अभिनेताओं के, हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों के, वो क्या करते हैं, वो उनकी फिल्म 50-50 बार देखते हैं, एक बार नहीं। अमिताभ बच्चन जैसा बनना है, गोविंदा जैसा बनना है, तो क्या करें, उनकी फिल्म देखें कई बार, और फिर उन्हीं के जैसे नाक नक्श, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, यूं करने का तरीका, सब ऐसे कर लेंगे। जितना इंटेंसिटी से वो लोग वो करते हैं, उतना इंटेंसिटी से यदि हम भगवान को करें तो हम वैसे ही बन जाएं जैसे भगवान है, हम वैसे ही अपने आप को अर्पित करते हैं जैसे इष्ट है। तो उतनी इंटेंसिटी के साथ हम अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करें। तीन आयाम हैं जीवन के, एक है मन, दूसरा है तन, और तीसरा है हमारा जीवन। तीन आयाम हैं समर्पण के लिए, इन तीनों स्तर पे समर्पण करना पड़ेगा हमको। जीवन यानी व्यवहार, हमारे कर्म, जीवन यानी व्यवहार, हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हम हमारे दोस्त, हम हमारी सहेलियां, इनके साथ हमारा व्यवहार क्या है, व्यवहार को भगवान को दे देना, जीवन अर्पित कर देना, अर्थात भगवान को व्यवहार दे देना पूरी तरह से, जीवन में भगवान का विस्तार, जीवन में भगवान का विस्तार, भगवान हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। जीवन के बाद है अगला आयाम तन। तन के द्वारा, हमारे द्वारा होने वाले कर्मों को भगवान को भेंट करना। अब तन से क्या हो सकता है, कर्म, जीवन में क्या हो सकते हैं, व्यवहार। मन यानी हमारे चिंतन को भगवान को समर्पित कर देना, व्यवहार आपको समर्पित, कर्म आपको समर्पित, चिंतन आपको समर्पित। समर्पण लौकिक नहीं है, लौकिक स्तर की प्रक्रिया नहीं है, समर्पण क्या है, सूक्ष्म स्तर की प्रक्रिया है, दिखाई नहीं पड़ती है, समर्पण सूक्ष्म स्तर की प्रक्रिया है, लौकिक नहीं है। तीनों स्तर पर समर्पण होता है, जीवन, तन और मन, तीनों स्तर पर। एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको आज बता रहा हूं दुर्गा सप्तशती में से। दुर्गा सप्तशती में एक अथ कीलकम करके अध्याय आता है, ओम नमश्चंडिकाई, उसके बाद इसके सातवें और आठवें श्लोक है, इसमें से थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। सोपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यां अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसिद्धति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। अभी क्या है, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। भगवती चंडिका, ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती सती जो है कीलित है, इसको भगवान शंकर फिर अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाते हैं कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो सकती है। अतः भगवान ने, शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के श्रोत जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागीदार होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, सर्वस्व अर्थात चिंतन, मन और विचार, और उस और प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, भगवान जो प्रसाद रूप में देते हैं उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। अब यहाँ टिप्पणी में लिखा है, यह निष्कीलन अथवा शापोद्धार का ही एक विशेष प्रकार है। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि समर्पण, इस दुर्गा सप्तशती को कीलित किसने के दिया, किसी ने कीलित नहीं किया, ये इसका कील तो उत्कीलन क्या है, समर्पण, समर्पण ही उत्कीलन है, समर्पण से ही उत्कीलित किया जा सकता है, शापोद्धार का एक विशेष प्रकार है। भगवती का उपासक, चूंकि इसमें सप्तशती लिखी ना दुर्गा सप्तशती, इसलिए वो तिथि एक विशेष दी हुई है, मैं गायत्री के लिए तो हर तिथि उत्तम है। भगवती का उपासक उपर्युक्त तिथि को देवी की सेवा में उपस्थित हो, अपना न्यायोपार्जित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्रचित से प्रार्थना करे, माता आज से ये सारा धन तथा मैं, मेरे कर्म सब आपकी सेवा में अर्पित, इस पर मेरा कोई अब अधिकार नहीं है। फिर भगवती का ध्यान करते हुए भावना करे, मानो जगदम्बा कह रही, बेटा संसार यात्रा के निर्वाह के हेतु तू मेरा प्रसाद रूपी धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी की आज्ञा शिरोधार्य करे, उस धन को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करे,
और धर्म शास्त्रोक्त मार्ग से उसका सदव्यय करते हुए सदा देवी के अधीन होकर रहे, यह दान प्रतिग्रह करण कहलाता है। इससे सप्तशती का शापोद्धार होता है, देवी की कृपा प्राप्त होती। केवल एक उदाहरण दिया मैंने कि भगवान शिव के माध्यम से समर्पण को ही उन्होंने बताया है कि उत्कीलन हो जाता है। तो समर्पण नहीं होगा, भगवान की सेवा में समर्पित यदि आपने नहीं किया तो आप चाहे कितनी मंत्र जप लो सब बेकार है। यदि आपका भाव विसर्जन का नहीं है सब भगवान सविता देवता में तो आपका गायत्री मंत्र का जप बेकार है। मैं कई बार लोगों से कहता भी हूँ, मंत्र जप तो बहुत सारे कर लिए, गायत्री मंत्र के जप की एक घड़ी ऐसी आई है जब युग देवता महाकाल भगवान महाकाल स्वयं आए हैं, और जब ऐसी स्थिति आई है तो जब तक भावपूर्वक जप नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। गायत्री मंत्र करते करते हमको 20 साल हो गए, हमारे घर में अभाव बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि आपको आपने भावपूर्वक जप नहीं किया, आपने केवल मानसिक जप मुंह से जप किया और होठों की सेवा करी, लिप सर्विस स्वामी विवेकानंद कहते थे। साधना का निष्कीलन करना है तो क्या हो, साधना फलित नहीं होती। साधना फलित हो इसके लिए क्या करें, क्योंकि भाव हमारे ऊंचे हों, भाव हमारे इस स्तर पर ऊंचे, सब कुछ आपको समर्पित। ये जो साधना हम करने जा रहे हैं इसका फल भी आपको समर्पित। मान लीजिए हम साधना करने जा रहे हैं, इसका फल ये मिलने वाला है कि हमको बहुत पैसे मिलेंगे, हमको बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, हमको बहुत यश मिलेगा, वो भी आपको समर्पित। तो फिर माँ कहती है इसको मेरा प्रसाद मान के ग्रहण कर, पहले भगवान को फिर भगवान हमें दे दे वापस, हमारा रिजल्ट भगवान को अर्पित। अब भगवान हमें वापस देते तो कोई दिक्कत नहीं। अपना लाभ और दूसरे की हानि को हम साधना समझते हैं। दुर्भाग्य क्या है कि कहीं हमारा लाभ हो रहा है क्या और दूसरे की हानि हो रही है तो हम अपनी साधना समझते हैं, जबकि साधना का मतलब होता है दूसरे को देना। साधना में छिपा हुआ है समर्पण, दूसरे को देना साधना है। भगवान हमेशा मांगते हुए आते हैं। लोग समझते हैं भगवान बांटते हुए आते हैं, नहीं, भगवान मांगते हुए आते हैं। बलि के पास भी भगवान आए थे, शबरी के झूठे बेर खाए थे, कहा था बहुत भूख लगी है। द्रौपदी के आए थे, दुर्वासा ऋषि आए हुए थे और कह के गए थे कि हम स्नान करके आते हैं, और जैसे ही डकार ली उन्होंने वैसे ही सारे के सारे भगवान ने जब देखा दुर्वासा ऋषि ने कहा हम भोजन करने आते हैं, और दुर्वासा ऋषि जानबूझ के ऐसे समय आए जबकि भोजन समाप्त हो गया था, भोजनालय में भोजन सब समाप्त हो चुका था, द्रौपदी सबको भोजन करा चुकी थी, खुद भोजन कर चुकी थी, और उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने आके कहा कि हम भोजन करेंगे, था तो कुछ नहीं, अज्ञातवास में थे। तो भगवान को याद किया द्रौपदी ने, दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं और पूरी सेना के साथ आए हुए हैं, मतलब उनके सारे शिष्य आए हुए हैं, करीब 1,500-1,500 शिष्य सब नहाने गए हैं, सब आएंगे यहाँ। अब कोई मोहित का भोजनालय तो है नहीं कि सब तुरंत बन जाए, फटाफट जल्दी जल्दी बन जाए। तो भगवान आए, उन्होंने कहा पहले बता तुम्हारे बटलोई में, तुम्हारी भगोनी में कुछ है क्या? तो उन्होंने देखा कि चावल का एक दाना है बस। उन्होंने कहा ये दे दो मुझे। जैसे ही भगवान ने चावल का दाना मुंह में डाला और अंदर लिया, ऐसे दुर्वासा ऋषि के साथ सबको 1,500 को एक साथ डकार आ गई। अब उनको लगा पेट भरा हुआ है पूरा का पूरा, अब कैसे जाएं? शर्म के मारे आई नहीं, वहीं से चले गए आशीर्वाद देते हुए द्रौपदी को। सुदामा के पास भी आए तो कहते हुए आए पहले हमें दो फिर हम तुम्हें देंगे, चावल लाए हो तो चावल दो, लाए नहीं थे उनके लिए पर पहले दो। तो भगवान जो है वो हमसे मांगता है, जब हम पहले दें तब भगवान हमें दे। भगवान क्या है? प्रतिध्वनि का नाम है, भगवान इको है, प्रतिध्वनि। अगर आप किसी बड़ी वेली में खड़े हो जाएं, जोर से आवाज लाएं, भगवान आपके लिए 10 पैसे बस, तो उधर से आवाज आती है आपके लिए 10 पैसे बस है ना, हमको भी 10 पैसे ही मिलेंगे। भगवान मेरा सब कुछ आपको समर्पित, उधर से आवाज आती है मेरा भी तुझको सब कुछ समर्पित, जो हम कहेंगे वही लौट कर आएगा। तो भगवान भी वही बात कह रहे हैं लौट करके कि मेरा भी तुझे समय सब कुछ समर्पित। अगर आप भगवान को देते भगवान आपको लौटा देगा। ये मत सोचना कभी, कंजूसी का भाव मत रखना कि भगवान ने अपने पास रख लिया तो फिर हमारा क्या होगा, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके पाया और वो भगवान को चला गया। समर्पण क्यों? ताकि तथाता हमें उनका स्वरूप मिले, हमारे अंदर बदलाव आ जाए। तथाता का मतलब होता है बदलाव, संपूर्ण रूपांतरण। मुरुदेव ने कहा था, मैंने पहले भी सुनाया था, हम तुम्हें करोड़पति नहीं बना सकते, हम तुम्हें ऋषि बना सकते हैं, हम तुम्हें अपना स्वरूप दे सकते हैं। हम अपना जीवन तन मन उनके काम में दे दें। ये क्या छोटा छोटा सा उपदेश लगाए बैठे हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई
पढ़ाई के अलावा अपना जीवन सब कुछ जो भी है पढ़ाई के साथ साथ ये सब कुछ हमारा समर्पित भगवान के काम में हो जाए, वैसा ही स्वरूप हमारा हो जाएगा। समर्पण साधना का लिटमस टेस्ट है, समर्पण साधना का लिटमस टेस्ट है। अगर आप लिटमस जानते हो, बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट बैठे होंगे, लिटमस पेपर को डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, उससे पीएच चेंज मानते हैं, और भी कई टेस्ट होते हैं लिटमस से। तो साधना का लिटमस टेस्ट क्या है? समर्पण। कितना समर्पण बढ़ा, गुरु कार्यों के प्रति कितना समर्पण बढ़ा, निस्वार्थ कर्मों के प्रति कितना समर्पण बढ़ा, अपने कामों में समर्पण भाव कितना बढ़ा। पढ़ाई करो, मैं तो कहता हूँ पढ़ाई करो, मैं नहीं कह रहा गुरुदेव काम अभी से करो तुम लोग, पर जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें समर्पण भाव से पढ़ाई करो। समर्पण इतना ज़्यादा तीव्र हो, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा तीव्र हो कि तुम्हारी इंटेंसिटी के माध्यम से तुम्हें मिलता चला जाए वापस। यदि कहीं वैसा रूप नहीं मिल पा रहा है, भगवान का रूप नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब साधना में समर्पण नहीं है पूरा, साधना फलित नहीं हो पा रही। इसलिए हमारे सारे जीवन की चोट अहम पे होनी चाहिए, सारे जीवन की हमारी चोट। मारना भी है, अगर कहीं हथौड़ी मारनी है तो अहम पे मारो, अहंता पे मारो बार बार। हम देना चाहते हैं अंश, भगवान चाहता है पूर्ण। हम क्या कहते हैं, अंश मात्र ले लीजिए आप, भगवान कहता है पूर्ण दो। कई बार लोग बाग आते भी हैं, और मैं तो देखता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश वगैरह पूरा बेल्ट भी आता है, तो पैसा निकालते हैं और निकालने के बाद जो है उसमें से कुछ पैसे जेब में रख लेते हैं, फिर वो 10 रुपये रख देते हैं। ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, 10-10 रुपये से मिशन खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई आता है अपनी जेब, और कई लोग ऐसे आते हैं, मैं तो देखा है गरीब से गरीब वो लोग भी आते हैं, वो आते हैं जेब में हाथ डालते हैं, जितने पैसे हाथ में आते हैं सब डाल देते हैं वहीं, पूरा सब कुछ। अब जिसने सब कुछ डाल दिया उसको सब कुछ मिलेगा, और जिसने थोड़ा कंजूसी से अपने पास रख लिया ना, वो न जाने कितना उसने अपने पास खींच लिया। अब क्या हुआ कि अब उसके देने में कमी आई तो लेने उसको मिलने में भी कमी आएगी। तो भगवान क्या चाहता है, अंश नहीं चाहता, भगवान चाहता है पूर्ण। मंदिर बनाना, प्याऊ बनाना, सत्कार्य करना कराना इस अपेक्षाकृत सरल है, पर तथाता हो जाना, मतलब उसके जैसा हो जाना, तथाता एकाकार हो जाना, तद्रूप हो जाना, भगवान के जैसा बन जाना कठिन है। मिटने के भाव पर हमें परेशानी होती है, क्यों? अस्तित्व मिट रहा है, हमारा अस्तित्व मिट रहा है, हमारा नाम मिट रहा है, हमारा पद मिट रहा है, हमारा अहम मिट रहा है। साधना वे करते हैं जो अपने अहंकार के सिर पर उसे रोंद करके खड़े हो जाते हैं। असली साधना उनकी है जो अपने अहंकार के सिर पर उसे रोंद करके उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, निर्ममो निराहंकारो भूत्वा, निर्ममता पूर्वक अपने अहंकार को कुचल। निर्ममो निराहंकारो भूत्वा, निर्मम बन अपने प्रति, अहंकार के प्रति इतना निर्मम बनो कि उसे कुचल डालो पूरी तरह से। मूले कुठारा घात, एक उक्ति आती है शास्त्रों में, मूले कुठारा घात, जड़ों को काटो। जड़ें अहंकार में डूबी हुई हैं, अपनी जड़ों को काटो। पत्ते कब तक काटोगे? मंत्र फलित होते हैं पर एक सीमा तक। मंत्र जितने भी होते हैं, अभी दुर्गा सप्तशती का नाम लिया, गायत्री मंत्र है, सूर्य गायत्री मंत्र है, विभिन्न प्रकार गायत्री मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र हैं, संपुट के साथ भी महामृत्युंजय मंत्र हैं, वे फलित होते हैं पर एक सीमा तक। रावण विद्वान था, तपस्वी था, पर अहंकार नहीं गला पाया। शिवजी को भी उसने बल दिखा दिया, शिवजी को कहा आपको दिखाऊं मैं कितना बलशाली हूँ, पूरे पूरे हिमालय उठा लिया उसने। तो शिवजी ने कहा भाई मैं मानता हूँ तू बलशाली है, सिर 10 बार काटे तो इसलिए 10 सिर मिल गए उसको। अब जो दिया तो उसने मिला, परंतु ये सिर अहंकार रूपी सिर काटा होता उसने तो शायद वो समर्पण को प्राप्त हो जाता। विद्वान था, तपस्वी था, पर अहंकार उसका गया नहीं, इसलिए उसके अंदर सारी की सारी सारा तप सिद्धियां भोग का साधन बन के रह गए। उसका भाव सिर देने का नहीं था, भाव अहम देने का, अहम बताने का था, अहम जताने का था, तो इसलिए पूर्णता नहीं आ पाई उसका। भगवान क्या करते उसका सिर रखकर, भगवान ने वापस दे दिया। एक बार काटा एक बार दे दिया, 10 बार काटा 10 बार दे दिया, तो उसके 10 सिर हो गए। इसे 10 सिर का प्रतीक, एक अलंकारिक सिर माना जाता है, अलंकारिक प्रतीक माना जाता है। उसका सारा तप सिद्धियां भोग का साधन बन के रह गए और अल्टीमेटली पतन को प्राप्त हुआ। कई बार जब हम उच्च स्तरीय अध्यात्म की उच्च स्तरीय चर्चा करते हैं
तो उसमें फिर समर्पण के साथ हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर की तरह चर्चा नहीं करनी चाहिए। दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर वाग विलास में रैदास को हरा सकता है, एक फिलॉसफी का प्रोफेसर अपने वाग विलास में प्रभु है ईश्वर है मैं प्रूव करके दिखा देता हूं नहीं है, और प्रूव कर देगा ईश्वर नहीं है, क्यों? नास्तिकवाद को तर्क के माध्यम से प्रतिपादित करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उस तर्क में रैदास को हरा सकता है टीका टिप्पणियों के साथ। पर रैदास के पास एक्सपीरियंस है, जीवन का सत्य है कि प्रभु है, हर श्वास में है। गोपीनाथ कविराज जी की विशुद्धर जी के शिष्य थे, गोपीनाथ कविराज विशुद्धानंद जी के शिष्य थे। विशुद्धानंद जी वो जिनको सूर्य विज्ञान की विभूति प्राप्त थी, सूर्य से कुछ भी बना देते थे। स्वामी विवेकानंद को भी उन्होंने सुगंधी बना के बताई थी, फूल निकाल के बताए थे। गोपीनाथ कविराज जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा हम योग का स्वरूप समझना चाहते हैं आपसे। तो गोपीनाथ कविराज जी उस समय 72 साल के थे, उन्होंने कितना समय है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा मेरे पास 3 साल का समय है, 3 साल के अंदर सिखा दीजिए योग का स्वरूप। हमारे पास तो 2 साल के लिए आते ना तुम लोग योग सीखने के लिए, वो 3 साल बोला। तो गोपीनाथ कविराज बोले कि हमें 62 साल लग गए योग का स्वरूप समझने में और अभी तक हम तथाता तक नहीं पहुंचे, अभी समर्पण ही हुआ है, विसर्जन ही हुआ है, विलय तो हुआ ही नहीं अभी। तो फिर दूसरा बोला कि बाबा वो वाला योग नहीं कह रहे, ये PhD करना चाहते हैं आपके ऊपर कि आपके जीवन में योग कैसे आया, आपके जीवन में योग कैसे अवतरित हुआ, और आपके अंतर्गत भी PhD करना चाहते हैं आपके ऊपर आपके माध्यम से। तो उन्होंने कहा अब हमने PhD करना और कराना छोड़ दिया, क्यों? अब हम जो सोचे हुए योग सूत्र हैं उनको अनुभव करना चाहते हैं, पढ़ लिए खूब सारे योग सूत्र पढ़ लिए हमने, ढेर सारे, उनकी व्याख्या भी कर दी, अब उनको अनुभव करना चाहते हैं। तो हमें तुम्हें PhD न करानी, न हमें करने देनी, न हम अपने ऊपर कराना चाहते हैं, हम क्या करते हैं उनको हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इस अवस्था में प्रोफेसर PhD करा सकता है पर अनुभूति नहीं करा सकता। प्रोफेसर PhD करा सकता है, अनुभूति नहीं करा सकता। ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति ही करा सकता है, कई आध्यात्मिक व्यक्ति प्रोफेसर भी होते हैं, जब वो हो जाए दोनों तो फिर PhD के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त हो जाते हैं। बात अनुभव की है, तर्क वितर्क में कोई प्राण नहीं है, असली बात अनुभव की है। अनुभव हुआ कि नहीं? जिस समय एक्सपीरियंशियल नॉलेज आ जाता है उस समय टेंजिबल वो नॉलेज जिसको कहते हैं हम लोग वर्किंग नॉलेज, वो गायब हो जाता है, विज्ञान चला जाता है और असली ज्ञान आ जाता है। जैसे ही एक्सपीरियंस हुआ अनुभूति के साथ सही ज्ञान आ जाता है। अनुभूति युक्त ज्ञान का उदाहरण संत ज्ञानेश्वर, 18 वर्ष की आयु में सब कुछ प्राप्त करके समाधि को प्राप्त हो गए, अपने बड़े भाई को गुरु बनाया उन्होंने। मैं अभी अलिंदी होके आया संत ज्ञानेश्वर की तपस्थली, और जहाँ उन्होंने समाधि ली उनके समाधि के पास बैठ के आया, और वाइब्रेशंस क्या होते हैं किसी को देखना है तो मैंने जो कमरे में गुरुदेव कमरे में जो वाइब्रेशंस पाए हैं वो वाइब्रेशंस मैंने वहाँ देखे हैं, वास्तव में बहुत गजब के वाइब्रेशंस। ऐसा कहते हैं कि संत ज्ञानेश्वर सूक्ष्म रूप में मौजूद है वहाँ पर, और उसके ऊपर ऐसा कहते हैं पटिया लगा दिया था, लोहे का पटिया रख दिया था। अब संत ज्ञानेश्वर जो थे वो 1212वीं शताब्दी में हुए थे, आज 800 साल हो गए। 800 साल बाद भी संत ज्ञानेश्वर की फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं कि वारकरी संप्रदाय, पूरे भक्ति संप्रदाय पूरे महाराष्ट्र में बहुत बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली। बस भक्ति को सही मोड़ देने भर की देर है वो सारा का सारा वो परिवार गायत्रीमय हो सकता है। ये एक विलक्षण संप्रदाय है। तो ज्ञान और भक्ति दोनों का अद्भुत समन्वय है। फिलोसोफर स्तर के ज्ञानी थे, हाँ थे, भक्त थे, विलक्षण भक्त थे। उन्होंने पसायदान लिखा है, उन्होंने एक पसायदान, उसको पसायदान को हम लोग अभी मराठी में गा के भी आए वहाँ पर, उसका हिंदी अनुवाद भी है, उसका इंग्लिश अनुवाद भी है। और पसायदान एक प्रकार की शांति पाठ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। फिर उसमें लिखा है कुटिलों की वृत्ति को मोड़िए, भगवान से प्रार्थना है, जो खल हैं बुरे हैं उनको आप परिवर्तित करिए। मैं आज लाना चाहता था पर नहीं ला पाया। आज जो है ऐसे महापुरुष नहीं हैं, उसका कारण क्या है? आज प्राण अन्नगत हो गया है, आज जितने प्राण जितने भी है प्राण शक्ति अन्नगत हो गई है और अन्न दूषित है।
आज कठिन हठियोग की साधनाएं संभव नहीं है, मुश्किल है, इसलिए सिद्धियां नहीं मिलती। मतलब हठयोग से कोई साधना प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता। पुराने जमाने में हठयोग से सिद्धि प्राप्त कर लेते थे, आज केवल एक ही तरीके से सिद्धि मिल सकती है, भावना से सिद्धि मिल सकती है। अगर भावना हमारी पराकाष्ठा पर हो तो हम सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। एकनाथ, रैदास, मीरा, दादू, चैतन्य, ये सारे उदाहरण हैं। भाव भक्ति भावना से उन्होंने कलयुग में एक माहौल बना दिया भक्ति का। एकनाथ, रैदास, मीरा, दादू, चैतन्य। हमारे हाथ में ब्रह्मदंड रहता है, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, जब हम बाहर जाते हैं तो लेके जाते हैं ब्रह्मदंड। ऐसे ब्रह्मदंड ज्ञानेश्वर के हाथ में था, संत ज्ञानेश्वर के हाथ में था, तो वो जब समाधि के लिए गए तो उन्होंने वो ब्रह्मदंड अपना जमीन में गाड़ दिया। पिछली बार विषय में घटना बताई थी शायद तुमको मैंने ना, नहीं नहीं बताई। वो कहते हैं कि वो जो ब्रह्मदंड की लकड़ी थी, वो लकड़ी जो है वो उगना चालू हो गई, और जो लकड़ी उनके हाथ में थी वो उनके गुरु ने दी थी, तो लकड़ी कोई अलग ही प्रकार की थी। वो लकड़ी अंदर से निकली और ऊपर निकलते निकलते उसकी कई शाखा प्रशाखाएं उनकी समाधि स्थल से निकली हैं। समाधि जिसमें समाधि ली उन्होंने 1200 साल पहले, 800 साल पहले, उसी में से वो पेड़ निकला और पेड़ निकले कई ब्रांचेस हो गए। उस ब्रांचेस के नीचे लोग बैठ के एक ज्ञानेश्वरी का पाठ करते हैं। तो 400 साल बाद संत एकनाथ हुए। संत एकनाथ को स्वप्न आया कि संत ज्ञानेश्वर के गले में वो चुभ रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मूली कहते हैं महाराष्ट्र में, तो उन्होंने कहा मूली यहाँ जड़ जो है, यहाँ खुली यानी जड़ यहाँ हमको चुभ रही है, तो उन्होंने उसको निकाल दिया, निकाल के बाहर कर दिया। और उसके बाद फिर वो ज्ञानेश्वर का सपना आया कि अब हमें ठीक महसूस हो रहा है। वो कहते हैं साक्षात ज्ञानेश्वर मौजूद है नीचे, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, तो मुझे अनुभूति हुई कि संत ज्ञानेश्वर मौजूद है। और उस वृक्ष के बारे में पता लगाया कि बॉटनिकल नेम क्या है, तो उस तरह का वृक्ष अकेला है वो, ऐसा कोई वृक्ष पूरे संसार में नहीं है, वो वृक्ष अकेला निकला बस। आज तक बॉटनिस्ट वो जाते हैं और जाके उसकी पत्तियों का और उसका रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा ऐसा वृक्ष नहीं मिला। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पिछले 800 साल के पीरियड में भक्ति योग ने कितनी विलक्षण क्रांति की है, चमत्कार है, भक्ति योग में चमत्कार भरा पड़ा है। मीरा का सारा चमत्कार भक्ति योग का चमत्कार है। हमें और जितेंद्र को, दो को गुरुदेव ने एक ही बात कही कि तुम तो हमारा चिंतन करो और हमारे बारे में लिखो, बस लिखो, हमारा चिंतन करो, लिखो हमारा चिंतन, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब अपने आप मिलता चला जाएगा। हमें वो करते करते मिल रहा है, और मिल अंदर से तृप्ति है, संतोष है, वो अपने आप में। तो भगवान जो कहता है वो करें, बस भगवान जो कह रहा है उसी के हिसाब से चले, अपनी मर्जी न लगाएं बीच में। हठयोग में कई प्रकार की साधनाएं हैं, तप में क्रिया प्रक्रियाएं हैं, अहंकार की तुष्टि जरूरी है, और समर्पण में कुछ नहीं देना करना पड़ता, बस खाली हो जाना पड़ता है। समर्पण में जेब में सब जो कुछ भी वो भी निकाल के रख दिया, उसके बाद भगवान ने कहा कि और भी जो कुछ हो देख लो एक बार, तो वो भी देख लिया, गले में कुछ है वो भी निकाल के रख दिया, सब कुछ निकाल के रख दिया और भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया। बस जब दे दिया उसके बाद फिर ये नहीं सोचा कि अब इसका क्या होगा, पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हैं कि वो हमने गले की माला देख दी, अब मालूम नहीं कौन कोई और को तो नहीं ढल, भगवान को दे दिया तो समर्पित कर दिया, फिर छोड़ भूल जाओ। कई लोग पर्वत की चढ़ाई चढ़ते हैं और कहते हैं हमने कंचनजंगा की चढ़ाई चढ़ी और हमने ये किया, चढ़कर कितना बड़ा काम किया। काम कितना बड़ा किया ये नहीं, अहंकार और विकसित हो गया आपका। बात अहंकार विसर्जन की चल रही है यहाँ पे। अहंकार विसर्जन कैसे होगा? अहंकार विसर्जन होगा बड़े बड़े काम के साथ, अपने काम को समर्पित भाव से करने की भावना के साथ। अब आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या करें, विसर्जन का उपाय क्या है, तो गुरुदेव बताते थे। हमारे विद्यार्थियों के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ, एक आसान सा। अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, बस ये समर्पण है और कुछ नहीं। कोई बुरा होगा तो सहन करेंगे, पेपर कठिन आ गया, कड़ा आ गया, सहन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कोई मारे दे रहा है क्या, कोई फांसी की सजा दिए जा रहा है क्या, कोई तुमको कह रहा है क्या कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या, कुछ सब भूल जाओ, सहन करेंगे। बुरा होगा तो सहन करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे उम्मीद लगाई है कि हम उस वातावरण को बनाए रखें जो उन्होंने बनाया है। सद्विचारों की तरंगे श्रेष्ठतम हो गायत्री कुंज में और शांति कुंज में, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। सद्विचारों की तरंगे श्रेष्ठतम हो, हमेशा हमारे मन में सद्विचारों की तरंगे चले। मैं जानता हूं युवावस्था है, तरुणावस्था है, कई तरह के विचार मन में आते होंगे, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कोई कर्म करो
तो समर्पित कर्म करो। जब कुछ सार्थक सोचो तो सोचते समय अच्छा सोचो, अच्छा सोचते हुए वही करो जो श्रेष्ठ करने योग्य, वही सोचो जो श्रेष्ठ सोचने योग्य है। श्रेष्ठ सोचेंगे, श्रेष्ठ बोलेंगे, श्रेष्ठ करेंगे। मनोरंजन के लिए मनाही नहीं, मनोरंजन करो, पर किसी को तंग करके नहीं। कैसे करें मनोरंजन? अपने आप को भगवान के साथ एकाकार करके देखें तो मनोरंजन इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। अपने अंदर का मनोरंजन से बड़ा कोई मनोरंजन नहीं। स्वामी विवेकानंद ने गुरु शिष्य संवाद में आठवां अध्याय, आठवां वॉल्यूम है शायद, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में, उसमें उन्होंने कहा है हम अपने ध्यान का कोना जो चुने उस जगह मात्र श्रेष्ठता ही सोचें। मन में इतने सारे कोने हैं, एक कोना मनोरंजन का रख लो, एक कोना पढ़ाई का रख लो, एक कोना ध्यान का रख लो। उस कोने में जब भी जाओ ध्यान करेंगे, श्रेष्ठ सोचेंगे बस, और बार बार मन को ऐसा अभ्यस्त बना देंगे कि समर्पित भाव से श्रेष्ठ चिंतन करना ही हमारा उस कोने में जाने का भाव है बस, तो आपका मन बार बार उधर ही भागेगा। फिर श्रेष्ठ विचारों की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। मन का कोना चुन लिया, मन के कोने में जाने का भाव बना लिया, श्रेष्ठ विचारों की डेंसिटी क्रमशः बढ़ती चली जाएगी। जब भी हम उलझन से भर जाएंगे तो ये वातावरण, यह कोना हमें शांत कर देगा। ये डेंसिटी, वातावरण की डेंसिटी हमें शांत कर देगी। हमारी पीढ़ियां लाभान्वित होंगी इस हमारे अच्छे कर्म से। अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा हम मन में जो कुछ भी करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, तो जो हमारा विकास होगा उससे हमारी पीढ़ियां लाभान्वित होंगी। ये एक सिद्धपीठ बनेगा, सिद्धस्थली बनेगा, शक्ति। ये जो हमारा विश्वविद्यालय है ये मात्र एक विश्वविद्यालय नहीं होगा बल्कि सिद्धपीठ होगा। फिर यहाँ विचार सार्थक ही होंगे सारे। अब कोई गंदगी फैलाए विचारों की तो साहब हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई विचारों की गंदगी फैलाए तीर्थ में, क्या करना चाहिए? हमें उसको धोने का प्रयास करना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए। नहीं साहब हमने सोचा कि यह गंदगी फैली हुई है इसको चारों तरफ फैला देते हैं ताकि सबको पता चल जाए। नहीं, यह गलत काम है, इसको गंगा जल से धो दो। तीर्थ में कोई गंदगी फैलाए तो उसे गंगा से धोना चाहिए, उसे फैलाएंगे तो बीमारी बढ़ेगी। आज की पीड़ा क्या है? मनोविक्षिप्तता। आज की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? मानसिक विक्षिप्तता, प्रतिक्रियावादी चिंतन। हमें इस पीड़ा से मुक्ति पानी है तो देखना पड़े कहाँ कहाँ है ये। छात्र और अध्यापक के बीच में, बेटे और बाप के बीच में, शिष्य और गुरु के बीच में, पत्नी और पति के बीच में, यह हर जगह प्रतिक्रियावादी चिंतन है। अहम पर चोट हम सहन नहीं कर पाते। आज अहम का पोषण हो रहा है, इस वजह से अहम की चोट हम सहन नहीं कर पाते। अध्यात्म में भी कमी आई है, अध्यात्म में विकृति आई है। आज योगा है पर योग नहीं है। योगा कौन सा है? वो महाराज जी बहुत अच्छे हैं साहब, अमुक योगी नौली जो है वो जब करते हैं तो उनका उससे पेट ठीक हो जाता है, लेकिन आत्मा की बीमारी ठीक कर पाएंगे क्या? वो योगा से आत्मा की बीमारी ठीक नहीं कर पाएंगे। अब्रॉड में एक स्वामी जी हैं, स्वामी जी तो नहीं हैं, योगी हैं, योग कराते हैं, उनका नाम विक्रम चौधरी। वो क्या करें, उनका नाम क्या है, उनकी किताबों का नाम क्या है और उनका योग का नाम क्या है? योगा फॉर सेक्स, बस स्पष्ट नाम दे रखा है। और उनका सेक्स सेल्स इन USA। हम योग क्यों कराते हैं? हम इसलिए कराते हैं ताकि आपकी सेक्सुअल पावर बढ़े। ये क्या हुआ? भोग के लिए सेक्स, भोग के लिए योग है ये, भोग के लिए योग नहीं। वो किस लिए शरीर ठीक करा रहे हैं? नौली क्रिया क्यों करा रहे हैं? शरीर इसलिए ठीक रहे ताकि भोग कर सकें। भगवत समर्पण के लिए योग नहीं करा रहे हैं, भगवत समर्पण के लिए योग नहीं करा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास एक भैरवी एक ब्राह्मणी को लेकर आई, यंग, बिल्कुल ब्राह्मणी, निर्वस्त्र। रामकृष्ण उसकी गोद में बैठ के समाधिस्थ हो गए, समाधि प्राप्त हो गए, मां की गोद में बैठे। जगन माता की संतान का भाव ये सब सबसे श्रेष्ठ तंत्र का भाव है। बजाय इसके कि हम योग और तंत्र की बात वो वाली सोचें जो आज प्रचलित हैं, सारी सृष्टि मां का स्वरूप है, हम उसका अनुभव करने की कोशिश करें।
अध्यात्म में जो विकृति है योग के नाम पर, उसको भी तुम्हें ठीक करना है, तुम लोगों को ठीक करना है कि शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी ठीक करना है आदमी का। और कैसे ठीक करना है? योग सही रूप में आत्मसत्ता का परमात्म सत्ता में विलय। योग का सही अर्थ क्या है? आत्मसत्ता का परमात्म सत्ता से विलय, आत्मा का परमात्मा में समर्पण योग है। आत्मा प्लस परमात्मा इज इक्वल टू क्या? परमात्मा। आत्मा जब परमात्मा विलीन हो गई तो आत्मा खो गई। आत्मा प्लस परमात्मा बराबर परमात्मा है ना। आत्मा का परमात्मा में विलय हुआ, यह प्रक्रिया योग है, ये प्रक्रिया है। पर रिजल्ट क्या हुआ? परमात्मा। अब परमात्मा ही बचा, हम उसमें विलय हो गए, हम उसमें विलीन हो गए। जिस दिन हम सोच लेते हैं कि हमारे सभी जन्मों का हिसाब इसी जन्म में चुका देना है हमको, ये निश्चय हो जाए, तब अध्यात्म शुरू होता है, तब अध्यात्म शुरू होता है। समर्पण भाव से अध्यात्म की शुरुआत होती है, चाहे ध्यान हो, चाहे धारणा हो, चाहे समाधि हो। मैंने पिछली बार एक वाक्य बताया था स्वामी ब्रह्मानंद जी का, कि चाहे एक जीवन जी लो, भगवान के लिए जी लो, सिर्फ एक जीवन भगवान के लिए जी लो। ढेरों जीवन तुमने और काम के लिए जी लिया, केवल एक जीवन भगवान के लिए जी लो, औरों के लिए जी लो। अब ये जो बार बार बता रहा हूं, तथाता तथाता विसर्जन विलय, ये होगा कैसे? अहम का विसर्जन होगा कैसे? बड़ी आसान बात है, दो चीजों से अहम घटेगा। पहला, एक साहस हम अपने अंदर पैदा करें, क्या हम विरोधी के लिए अच्छा कर सकते हैं? हमारा विरोधी है, क्या हम उसके लिए अच्छा कर सकते हैं? एक तरह से हमारा फायदा कर रहा है वो, हमारा विरोधी हमारा फायदा कर रहा है, हमारे दुष्कर्मों का क्षय कर रहा है। हमारा विरोधी हमारे दुष्कर्मों को क्षय करता चला जाता है। हम विरोधी के लिए एक प्रार्थना करते रहे, सबको सन्मति दे भगवान, इसको भी सन्मति दे भगवान, बस। हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि तुम, हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं क्योंकि तुमने हमारा भला किया, दुष्कर्मों का क्षय किया हमारे। दूसरा तरीका सौम्य तरीका है, दिन में एक कोई निष्काम कर्म करके दिखा दो, दिन में कोई एक निष्काम कर्म करके दिखा दो, विनम्रतापूर्वक, बिना अहंकार जताए, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को बताए कि हमने देखो हम कर रहे हैं, तुमने देखा नहीं, हम महाकाल के मंदिर में गए और सफाई करके आ गए, तुमने नहीं देखा? नहीं देखा, अच्छा कल देख लेना, हम फिर इतनी बजे जाएंगे, फिर हम करेंगे। ये किसी को दिखा करके करना, फिर ये इसमें अहंकार आया। और समर्पण भाव से कोई अच्छा कर्म कर लिया, बस उससे अपने को संतोष मिल गया। यहां से शुरुआत होती है, अध्यात्म की शुरुआत यहां से होती है, बिना बताए निष्काम कर्म। अब आप लोग 6-7 विद्यार्थी एक कमरे में रहते हो, किसी ने झाड़ू नहीं लगाई, तो भैया किसी एक ने अगर झाड़ू आज लगा दी तो दूसरे के मन में कल प्रेरणा आएगी कि हम भी झाड़ू लगा दें? नहीं आती प्रेरणा। कोई एक लगा दे झाड़ू, दूसरे दिन भगवान पे विश्वास रखो कि दूसरे दिन दूसरे के मन में प्रेरणा आएगी, जब हमने विनम्र भाव से लगाई। अब तुम बार बार अगर सुनाते हुए लगाओगे झाड़ू, देखो हम लगा रहे हैं, कल तो तुम्हारा नंबर है, तो फिर नहीं होगी झाड़ू, फिर झाड़ू नहीं लगेगी। तुम बिना बताए झाड़ू लगा दो। अब उसके बाद भी वो आके कहता है कि क्यों तूने क्यों झाड़ू लगाई, तूने क्या ठेके ले रखा है पूरे हॉस्टल की सफाई का? ये समझ लो कि अपना विरोधी है, हमारे कुसंस्कारों का क्षय कर रहा है। भैया आज लगा दी, कल बिना बताए आपको लगा देंगे, अच्छा कल भी लगाएगा, देख लेंगे तुझे। ऐसा तो नहीं होगा कोई ना, यहाँ तो कोई नहीं होगा ना। हमने मेडिकल कॉलेज की बात अलग थी, मेडिकल कॉलेज में ऐसे लड़के हुआ करते थे, पर यहाँ नहीं होंगे। निष्काम प्रार्थना हम करें, जिससे हमारा लेना देना भी नहीं है, जिससे हमारा लेना देना भी नहीं, उसके लिए भी हम कर रहे हैं, सर्वतोमुखी हित के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक आदत डेली डाल लें निष्काम प्रार्थना सभी के लिए। पलंग पे बैठे, ध्यान भी नहीं कह रहा हूं मैं, पलंग पे बैठे दोनों हाथ ऐसे छोड़े कर लीजिए और ये कहा, सबका हित हो, सब निरोग हो, सब सुखी हो, बस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख माप्नुयात्। बस 10 मिनट तक भावपूर्वक प्रार्थना करके सबका भला हो, मेरे उस दुश्मन का ही भला हो, मेरे दोस्त का ही भला हो, सबका भला हो, बस। इस प्रार्थना से, निष्काम प्रार्थना से सभी के लिए, जो मेरे को सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, जो मुझे जानते हैं नहीं जानते, सबके लिए प्रार्थना। इससे भाव और विचार शुद्धि बड़ी तेजी से होती है। ये समर्पण की प्रक्रिया बता रहा हूं, अहंकार गलाने की प्रक्रिया।
हमारे सारे प्रयास, हमारी साधना है किसी न किसी स्वार्थ पूर्ति में जुड़ जाते हैं, इसलिए हमारी ध्यान में मन नहीं लग पाता। ध्यान में एकाग्रता तो आ जाती है, पर एकाग्रता से चित्त से हम आगे नहीं बढ़ पाते। एकाग्रता से चित्त शुद्धि की ओर बढ़ना है तो समर्पण विकसित करना पड़ेगा। एकाग्रता से चित्त शुद्धि की ओर बढ़ना है तो ध्यान का सुफल मिलेगा, और वो सुफल जो है चित्त शुद्धि के पूर्णता के बाद ही मिल पाएगा। चित्त शुद्धि का मतलब क्या है? मिटने की अनुभूति, देह का अणु अणु प्रभु में अर्पित। जब ध्यान करें तो एक छवि सूरज की अपने मन में बिठा लें, सवेरे वाले सवेरे को उगता हुआ सूर्य उसका एहसास करें, मन को रमा लें, मन मनी मन मंत्र जब चलता रहे, अंदर से ये भाव पलता रहे, सूर्य गायत्री मंत्र आता है तो वो भी बोल सकते हैं, इससे तीन चौथाई विसर्जन हो जाएगा। और समर्पण और विसर्जन हो गया तो हमारे अणु परमाणु बदलने लगेंगे, हमारे अणु परमाणु बदलने लगेंगे। आप खुद महसूस करेंगे हमारे अणु परमाणु बदल रहे हैं, हमें सौम्य चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हमें अब जो है तामसिक चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हमारा चिंतन बदल रहा है, हमारे औरों के प्रति भाव बदल रहे हैं। भाव तरंगे भी भगवान और आराध्य के समान बनते चले जाएंगे। उसे ध्यान में अपने आराध्य के दर्शन होने लगेंगे, जिसको आप आराध्य मानते हैं ना, उसको आप दर्शन होने लगेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है जिनको कि ध्यान में अनुभूतियां हुई हैं। गुरुदेव कहते थे जिसने माता जी को देख लिया मुझे देख लिया, और जिसने मुझे देख लिया उसने भगवती गायत्री को देख लिया। जिसने ध्यान में माता जी को देख लिया उसने मुझे देख लिया, और जिसने मुझे देख लिया ध्यान में उसने भगवती गायत्री को देख लिया। कंडेंस्ड गायत्री तत्व गुरु में समाया पड़ा है, कंडेंस्ड गायत्री तत्व समाया पड़ा है। कोशिश तो करें एक बार समर्पण भाव की। ध्यान का बिंब एक गहरा एहसास के साथ ही हम बैठ जाएगा। ध्यान का बिंब, मैं क्या चाहता हूं कि विसर्जन विलय और समर्पण, विसर्जन और विलय, ये प्रक्रिया समझ में आ जाए। समझ में आ जाए तो ध्यान की ये इंटेंसिटी वाली ध्यान है सारे। हम क्या सोचते हैं दुनिया बदले तो हम सोचें फिर इस बारे में, दुनिया नहीं बदलेगी, हमें बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। ध्यान में विघ्न आते हैं, कैसे आते हैं? पड़ोस के कमरे में वो एक लड़की है बहुत जोर से ट्रांजिस्टर बजा रही है, भाई साहब जो है वो जोर जोर चिल्ला रहे हैं, ये हमको विघ्न पड़ता है। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ट्रेन की आवाज़ भी आपको विघ्न लगने लगेगी। सुबह सुबह के शांत नीरव शांति में चिड़ियों का चहचहाना भी विघ्न लगता है कभी कभी। अरे ये क्या चिड़िया आवाज़ कर रही हैं, ये क्या हो गया, लाउडस्पीकर इसी समय चालू होना था क्या, मन लग रहा था बड़ी मुश्किल से। ये सारी की सारी ध्वनियाँ मर्ज हो जाती हैं अगर ध्यान लगने लगता है तो। सारी ध्वनियाँ, चिड़िया की ध्वनि, रेल का हॉर्न, जो लोगों का चिल्लाना, सहेली के कमरे में बज रहा ट्रांजिस्टर, सब मिलकर के एक हो जाते हैं, और सब मिलकर के आपका ध्यान इस ऊंचाई पे पहुंच जाता है कि सुनाई नहीं पड़ता। फिर वो जब आदमी सर्दी गर्मी में एडजस्ट कर लेता है तो क्या आवाज में एडजस्ट नहीं कर सकते? कभी आवाज आ गई तो क्या फर्क पड़ता है, उस आवाज को मर्ज कर लो ना। जिंदगी के मौसम भी इसी प्रकार बदलते हैं, आज जो है वो कल नहीं होगा, बदलेगा। अभी पिछले दिनों क्लास आरंभ की थी तब क्या मौसम था और आज क्या मौसम है, आज से दो हफ्ते पहले क्या मौसम था और आज क्या मौसम है, मौसम बदल गया। ऐसे जिंदगी के मौसम भी बदलते हैं, हमेशा प्रशंसक नहीं रहते, निंदक भी रहते हैं। जब हमने स्वीकार कर लिया कि निंदा प्रशंसा से हमें कोई परेशानी नहीं है, जब हमने स्वीकार कर लिया कि इस छोटे मोटे हल्ले गुल्ले से हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें तो इन्हीं परिस्थितियों में भगवत्ता विकसित करनी है। मैं तुम्हें बताऊं, मैं जिस कमरे में बैठ के मैं लेखन करता हूं उस कमरे में पड़ोस में एक बिल्कुल, बाकी शांति कुंज में सब जगह शांति होगी मालूम नहीं, पर मेरे कमरे के पास में बहुत सुंदर सी आवाज़ आती है, बछड़े की आवाज़, गाय की आवाज़, और वो निरंतर आती रहती है, सुबह से शाम तक आती रहती है, रात को भी आती है। मैं सुबह 2 बजे जब काम कर रहा होता हूं तब भी आती है, और सुबह 5 बजे एग्जैक्टली स्वामी जी का एक वो चालू हो जाता है, बिहारी भाषा में, भोजपुरी भाषा में संकीर्तन चालू हो जाता है, और उसमें करीब करीब 40-50 लोग मिलकर एक साथ गाते हैं तो वो उनका रिकॉर्डेड है, और उसमें हमारा मन लग जाता है तो हमारा मन तो लग जाता है।
और नीचे जब हम दूसरे कमरे में रहते थे पहले, पीछे जो आजकल ध्यान प्रणाम करने के लिए पीछे वाले कमरे में जाते हैं, पहले उस कमरे में रहते थे, नीचे हमारी माताएं बहनें भगोना करती थी, दोनों में संघर्ष होता था, या तो आज भगोना रहेगा या हम रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा। उसकी जो कालीमा थी उसको साफ करने का प्रयास चलता था, तो पहले वो थे ना कोयले का था पूरा पूरा, बाद में फिर ये गैस आ गई तो इतना कारण ही होता, परंतु उसमें संघर्ष होता था पूरा पूरा। और होली के दिन उसकी पूरी सफाई होती थी सारी की सारी, होली के समय जी जब होली खेलती थी सब सारी सारी सफाई हो जाती थी उनकी। ये जो था इसके बावजूद भी हमारा मन लगता था, गुर्दे को मन लगता था, हमको हमारा मन तो कभी डगमगाया नहीं। क्या करें, भगवत्ता का ध्यान करें, हमेशा भगवत्ता का, ईश्वरमय होने का ध्यान, समर्पण का ध्यान, विसर्जन का ध्यान, विलय का ध्यान, हर परिस्थिति में भगवत्ता, हर परिस्थिति में विलय। लाइट्स ऑफ कर दें, ध्यान चालू करेंगे। बहना समझ में आ गया, मिटना समझ में आ गया, आज है इससे आगे की बात, बहना, मिटना और एकाकार हो जाना, तद्रूप हो जाना। कमर सीधी कर लें, शांत चित्त, चारों ओर शोर हो रहा है पर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। रास्ते से आवाज आ रही है, क्योंकि रास्ते पर आवाज आएगी ही, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो चलेगा ही, पक्षी शोरगुल कर रहे हैं तो पक्षी शोरगुल करेंगे ही, समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही हैं, आवाज आ रही है, आवाज आएगी ही। इसके बावजूद भी हमें जो हो रहा है वैसा ही हो रहा है, हमें किसी से विरोध नहीं लेना, शांत चित्त। पहली बाधा पार कर जाओगे शांत चित्त की तो आगे का ध्यान बहुत बढ़िया है। जैसा है वैसी स्थिति के साथ हम राजी हैं, संगीत बजेगा, संगीत के साथ हम अपने आप को, भावों को एकाकार करेंगे, अपने विचारों को, अपने चिंतन को, शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें आधी बंद आधी खुली। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, सभी तरह के भाव शांत। चींटी काट रही है, पैर में दर्द हो रहा है, बैठने में दिक्कत है, हमें कोई विरोध नहीं है, इसी के साथ हम ध्यान करेंगे। किसी भी चीज से कोई विरोध नहीं, सचनेस, समर्पण की पराकाष्ठा। बहने और मिटने के बाद सचनेस, तथाता, रेजिस्टेंस को जाने दीजिए, विरोध चला जाएगा, वैसे हमारे भीतर कुछ शांत होना शुरू हो जाएगा। यह हमेशा से अशांत रहा है, इसको शांत होने दीजिए। हमें कुछ करना नहीं है, चुपचाप मन को सारी आवाजों के साथ एडजस्ट कर लेना है, हमारी आवाज, संगीत की आवाज, पीछे निर्माण चल रहा है इंटरनेशनल हॉस्टल का, उसकी आवाज, सड़क पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी आ रही है, उसकी आवाज,
जब हम नहीं थे तब भी ऐसी यहां आवाजें इसी तरह आती थी, आगे भी आती रहेंगी, इसी तरह से पक्षी चिल्लाते रहेंगे, कौवे बोलते रहेंगे। हम नहीं होंगे तब भी चलता रहेगा, पर हम हैं तो हम अपने अंदर वाले के साथ एकाकार हो जाएं। धीरे धीरे शरीर को, मैंने कहा था स्थिर शरीर, आराम से छोड़ दें, ढीला कर, रिलैक्स कर। पहले आपसे कहा कि विरोध छोड़िए, रेजिस्टेंस छोड़िए, मन को शांत करिए। अब ये कह रहे हैं हमें कुछ करना नहीं है, न हम कुछ बदलना चाहते हैं, न कुछ मिटाना चाहते हैं, न कुछ बनाना चाहते हैं। जैसे हैं वैसे हैं, वैसे ही हम उससे राजी हैं। साधक का सविता को समर्पण, उदीयमान सूर्य सविता, गायत्री कुंज, शांति कुंज, सप्त सरोवर, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय, समर्पण, विसर्जन, विलय। सूर्य का प्रकाश तेज होता चला जा रहा है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। अब धूप हमारी शत्रु नहीं, मित्र है। धूप गर्म है, छाया सर्द है, ये नेचर है, जरा भी विरोध नहीं है हमारा। जैसे हैं वैसे ही हम बनना चाहते हैं। कैसे बने? भगवत्ता को अर्पित करने के लिए, दिव्य संगीत के साथ एकाकार होने का भाव है। ये हमारे जीवन का संगीत, हमारे अंदर का संगीत, हमारे अंदर के स्नायु, हमारे अंदर के रक्तवाही नलिकाएं, अभी तक इस संगीत को सुना नहीं हमने। इस संगीत को सुने, बाहर का संगीत बहुत सुन लिया, अब अंदर के संगीत के साथ अपने आप को एकाकार करें। सारी आवाजें, सारे शोर, सारे विघ्न उसमें एक हो जाएंगे। Thank you.
सारे अंदर विरोधों को, हमारे अंदर जितने विरोध हैं, विरोध के स्वर हैं, उनको मिटा दीजिए। हम पढ़ते हैं, कोई विरोध करता है, कोई हल्ला मचाता है, जानबूझ के हल्ला मचाता है, इस विरोध के स्वर को मिटा दीजिए। चारों तरफ से दिव्य संगीत आ रहा है, दिव्य संगीत में खो करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। समर्पण, विसर्जन, उसके साथ विलय, विलय। उस मात्र सत्ता के हाथों विलय विलय कर दें जिन्हें हम गायत्री के रूप में जानते हैं, सरस्वती के रूप में जानते हैं। सरस्वती वीणा हाथ में लिए हुए, गायत्री ज्ञान के प्रतीक वेदों को हाथ में लिए हुए, कमंडल हाथ में लिए हुए, उसी मां का एक दिव्य रूप हमारे सामने। माँ गायत्री, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, सबका एक स्वरूप जगन माता। कल्पना कीजिए, दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है, दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है, उस समुद्र के बीच में जगन माता मौजूद है। समुद्र में हम डूब रहे हैं, डूबते हुए को मां उठाकर गोद में ले लेती है। हमारी उम्र मुश्किल से 3 या 4 माह की, डूबता हुआ शिशु, बालक या बालिका मां उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। हम पत्ते पर तैरते हुए चले जा रहे हैं, मां उसमें से उठा करके अपनी गोद में रख लेती है, क्योंकि डूब जाएंगे हम। इस भव सागर में हम डूबने न पाए, मां का ध्यान, मां का ध्यान, दिव्य संगीत का ध्यान, मां की गोद में बैठने का ध्यान, मां के स्तनपान का ध्यान, सुरक्षा, सुरक्षित, मां के गोद में सुरक्षित। हमारा इष्ट, हमारा आराध्य हमारे पास है, अब उसके साथ एकाकार होने का भाव कीजिए। मां का स्नेह, मां का प्रेम, मां का सौंदर्य, मां की ममता, मां की करुणा, ये हमारे गुण बन जाएं। हम बड़े होते जा रहे हैं, क्रमशः ये संगीत जीवन का हमारा फलित होता चला जा रहा है। विलय, विसर्जन, विलय। आराध्य में विलय,
विसर्जन विलय एकाकार वैसा ही हो जाना जैसा भगवान हमें चाहते हैं। प्रभु अर्पित कर्म, माँ के चरणों में अर्पित, गुरु के चरणों में अर्पित, अब हम वैसे ही हो रहे हैं जैसे माँ हमें चाहती हैं। जगन माता माँ के रूप में भगवान का ध्यान बहुत श्रेष्ठतम ध्यान, आराध्य सत्ता माँ जगदम्बा एकाकार, अब कोई अवरोध नहीं, अब केवल समर्पण, केवल समर्पण, विसर्जन विलय, विलय एकाकार, सारे अवरोध समाप्त, सारे शोर, सारे आसपास के जितने भी कलरव हैं, सारी जितनी ध्वनियां हैं वो सब उस दिव्य ध्वनि में समाहित, नितांत शून्य वातावरण, चारों तरफ शांति, परंतु उस शांति में होने वाला शोर भी हमें दिव्य संगीत सुनाई पड़ता है, जैसा अभी सुनाई पड़ा। ये दिव्य संगीत हमारे अंदर है, इस अंदर वाले संगीत को जगाएं, सुनें, कोशिश करें अपने अंदर के दिव्य संगीत को आत्मसात करें, आप देखेंगे कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगने का, एकाकार होने का भाव, तथाता तथाता वैसा ही हो जाना, वैसा ही हो जाना, जिससे समर्पित किया जिसमें विसर्जित हुए वैसा ही हो जाना, कीट भ्रंग की तरह से वैसा ही हो जाना, आराध्य के चरणों में अर्पित होकर वैसा ही हो जाना जैसे आप चाहते हैं, गुरु सत्ता के चरणों में अर्पित होकर वैसा ही हो जाना जैसे वो गुणों के समुच्चय हैं, रूप रंग नहीं उनके गुण, उनके गुण, उनकी महानता, उनकी विनम्रता, उनकी करुणा, उनकी संवेदना, हमारे कर्म प्रभु अर्पित, हमारा हर कर्म अहंकार को मिटाने वाला, हमारा हर कर्म विसर्जन विलय, विलय उसी सत्ता में विलय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतं गमय, ये परिवर्तन का भाव है, असत से सत की ओर एक यात्रा, और वैसा ही हो जाना सत रूप हो जाना, तमस से प्रकाश की ओर प्रकाश रूप हो जाना, मृत्यु से विनाश से विकास की ओर जीवन की ओर वैसा ही हो जाना जीवनमय। आज से हमारे जीवन में नेगेटिविटी खत्म, हम जीवनमय हो जाएं, जीवंत हो जाएं, प्राणवान हो जाएं, प्रकाशमय हो जाएं, और हम असतमय हो जाएं, सत ही सत हमारे जीवन का सत चित आनंद दिखाई देने लगे, ये भाव हमारे मन में रहे। ओंकार का उच्चारण हमारे साथ साथ करेंगे, ओ शांति शांति शांति। प्रभु स्नेह रूप हैं, करुणा रूप हैं, उनका स्नेह मिलता रहेगा, उनकी करुणा मिलती रहेगी, तो हमारा उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का ही पथ चलता रहेगा। थोड़ा सा 5 मिनट का संगीत, 3 मिनट का संगीत, और उसके पश्चात शांति पाठ। Oh.
हमें आपका स्नेह मिलता रहेगा तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। हमें आपका स्नेह मिलता रहेगा तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। हमें आपका छुड़ हम गए थे गले से लगाए, न जाने कहां से हमें ढूंढ लाए। हम गए थे गले से लगाए, न जाने कहां से हमें ढूंढ लाए। भटक जब रहे थे हमें पथ दिखाया, जिया प्यार इतना कि अपना बनाया। भटक जब रहे थे हमें पथ दिखाया, दिया प्यार इतना कि अपना बनाया, दिया प्यार इतना कि अपना बनाया। उसी प्यार को मन मचलता रहेगा, उसी प्यार को मन मचलता रहेगा तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। हमें आपका स्नेह मिलता रहेगा तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। रुकेगा नहीं सारथी आपका रथ, सुनेंगे नए जागरण गीत जनपथ। रुकेगा नहीं सारथी आपका रथ, सुनेंगे नहीं जागरण गीत जनपथ। जलेंगे प्रखर ज्ञान के दीप बनकर, तिमिर में चलेंगे उछल कर, तिमिर चीरते हम चलेंगे उछल कर, तिमिर चीरते हम चलेंगे उछल कर। बुझे गान हर दीप जलता रहेगा तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। हमें आपका स्नेह मिलता रहेगा तो यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा। यह कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा, सतत कारवां साथ चलता रहेगा।